हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, दिस इज यश योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू मोटोरोला G73 5G का, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है पिछले कुछ 30 दिनों से मेरे पास में है एंड इस स्मार्टफोन को मैंने अच्छे खासे तरीके से टेस्ट कर लिया है। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन इसी स्मार्टफोन के बारे में कि ये जो स्मार्टफोन है क्यों अच्छा है, क्या खराब चीजें इसमें आपको मिलती है एंड क्या ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिव्यू को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, ग्लास फ्रंट आपको दिया गया है। फ्रंट में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इन लोगों ने फ्रंट में कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको नहीं दिया है। और जब से मैं इस स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूं तब से मैं बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के ही यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भी स्क्रैचेस मुझे देखने के लिए नहीं मिले हैं। लेकिन मेरा सजेशन तो यही है कि जैसे ही आप फोन को परचेस करें जरूर से टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें, ताकि भाई साहब अगर आपके से फोन गिरता है तो ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। बाकी अगर देखा जाए बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 181 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है, इन हैंड फील भी काफी अच्छा रहता है, काफी कंफर्टेबल फोन है, तो बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। IP52 की रेटिंग भी आपको मिल जाती है, तो स्प्लैश प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। प्लस डिजाइन की अगर बात करें तो काफी मिनिमल सा डिजाइन है और गुड लुकिंग फोन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, दिखने में भी स्मार्टफोन बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में डेफिनेटली बढ़िया स्मार्टफोन है। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करेंगे 6.5 इंच का यहां पर आपको डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। IPS LCD पैनल है एंड 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि HDR सपोर्टेड डिस्प्ले है। और कंटेंट वॉचिंग की अगर बात करें, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस इस फोन के साथ में आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी क्वालिटी का IPS पैनल दिया गया है, जो कलर्स हैं वो आपको एक्यूरेट मिलते हैं, कोई भी फ्लिकरिंग का इशू यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है एंड कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया है एंड साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, सो ये अच्छी बात है। प्लस सोने पर सुहागा यह है कि यहां पर आपको HDR का भी सपोर्ट दिया गया है और YouTube पर 2160 पिक्सल्स वाले HDR वीडियो भी आप स्ट्रीम कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस इस फोन के साथ में बहुत अच्छा है। हां, HDR का सपोर्ट आपको YouTube पर मिलता है, लेकिन Netflix पर HDR का सपोर्ट इस फोन के साथ में अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत अच्छा है। बात करेंगे ब्राइटनेस के बारे में, 1000 निट्स की यहां पर आपको ब्राइटनेस मिलती है, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट सनलाइट में आप इजीली फोन को यूज कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस की भी दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश रेट की बात करेंगे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है जिसको आप ऑटो मोड पर भी रख सकते हैं एंड स्मूथनेस आपको काफी ज्यादा मिलती है एंड उसको आप फील कर सकते हैं और प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, कोई भी जर्क्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो यस, ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले का साइज अच्छा है, पैनल भी आपको अच्छा दिया गया है, मतलब हल्की क्वालिटी के पैनल से अच्छी क्वालिटी का IPS पैनल अगर दिया जाए तो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपको IPS में भी अच्छा मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि IPS पैनल एकदम ही रद्दी होते हैं, इस फोन के अंदर IPS पैनल आपको काफी अच्छा दिया गया है, डिस्प्ले में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन के अंदर दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 प्रोसेसर, जो कि शायद इसी फोन में हमको इंडिया में देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा किसी और फोन में अभी तक देखने को नहीं मिला है। प्रोसेसर के बारे में अगर बात करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर है, कोई भी थर्मल थ्रॉटलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। हाँ, CPU थ्रॉटल टेस्ट जब मैंने इस फोन के साथ में रन किया तो थोड़े से अनस्टेबल रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, लेकिन जो ग्राफ है कभी भी रेड जोन में नहीं गया। सो यस, यहां पर आपको थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू कोई बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, हीटिंग का इशू भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत लंबी गेमिंग भी अगर आप करेंगे तो हल्का सा फोन गर्म होता है। सो यस, थर्मल मैनेजमेंट फोन का काफी अच्छा है। नाउ डे टू डे परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको एकदम स्मूथ मिलती है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप कॉल्स लें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, जैसे भी आपको फोन को यूज करना है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये फोन आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं देगा। बात करेंगे गेमिंग के बारे में, तो यहां पर आपको BGMI पर तो 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको हाईएस्ट सेटिंग मिल जाती है, 60 FPS पर आप गेमिंग कर सकते हैं, अच्छी गेमिंग भी हो जाती है। प्लस न्यू स्टेट पर तो भाई साहब 90 FPS का सपोर्ट यहां पर आपको दिया गया है, सो ये अच्छी बात है। गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है, कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है डेफिनेटली इस फोन के साथ में आप कर सकते हैं। UMCP वाला स्टोरेज दिया गया है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आपको बढ़िया मिल जाती है, LPDDR4X रैम है, रैम मैनेजमेंट फोन का काफी अच्छा है, मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो है वो रैम में बनी हुई रहती है, सो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है, परफॉर्मेंस इस फोन के साथ में आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। हाँ, डेडिकेटेड गेमिंग के लिए आप इस फोन को यूज नहीं कर सकते हैं, कैजुअल गेमिंग के लिए अगर आप यूज करेंगे तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। बात करेंगे क्या
कैमरास के बारे में, तो दो कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ दिया गया है। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। अल्ट्रा वाइड से ही आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा आउटपुट की अगर बात करें, नॉर्मल डेलाइट में आउटपुट अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज भी आपको अच्छी मिलती है, कलर्स भी आपको मिलते हैं, डिटेल्स भी आपको मिलती है। हाँ, कलर्स जो है वो कभी कभी आपको थोड़े से इनएक्यूरेट देखने के लिए मिलते हैं, एंड स्किन टोन्स के साथ में थोड़ी सी समस्या है। स्किन टोन्स भी इस कैमरा के साथ में थोड़े से इनएक्यूरेट से आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमेज आउटपुट आपके डिसेंट निकल कर के जाते हैं नॉर्मल डेलाइट में प्राइमरी कैमरा से। नॉर्मल डेलाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा कलर शिफ्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन लेस डिटेल्स आपको मिलती है। डिटेल्स आपको उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी, ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल्स का कैमरा है तो ज्यादा डिटेल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलर शिफ्ट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ये अच्छी बात है। मैक्रो शॉट्स की अगर बात करेंगे, डिसेंट मैक्रो शॉट्स भी ये कैमरा ले लेता है। ओवरऑल रियर कैमरा के आउटपुट बढ़िया निकल करके आते हैं। सेल्फी कैमरा आउटपुट की अगर बात करेंगे तो सेल्फी बढ़िया निकल करके आती है नॉर्मल डेलाइट में। डायनामिक रेंज, कलर्स वगैरह आपको सारी चीजें सही मिलती है, लेकिन कभी कभी कलर प्रोफाइल इसकी बड़ी वियर्ड तरीके से काम करती है। कभी बहुत ज्यादा ब्लू लाइट आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा येलो लाइट आ जाता है, एंड रेयर कैमरा के कंपैरिजन में सेल्फी कैमरा का जो कलर एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी ज्यादा खराब है। यहां पर अपडेट के थ्रू इसको फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका जो सेल्फी कैमरा है काफी इनएक्यूरेट से, काफी अनस्टेबल से आउटपुट आपको निकाल के देता है। हाँ, डिटेल्स आपको मिल जाती है। स्किन टोन, अगेन स्किन टोन्स में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, कभी बहुत ज्यादा नॉर्मल आती है, लेकिन ओवरऑल सेल्फी कैमरा आउटपुट की बात करें मेरे हिसाब से ओके सेल्फी कैमरा यहां पर काम करता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं देगा। अपडेट के थ्रू ये चीज फिक्स की जा सकती है, अभी तक अपडेट आया नहीं है एंड दिक्कत अभी भी इस फोन के अंदर बनी हुई है। सो ओवरऑल कैमरा यूसेज के लिए रेकमेंड मैं नहीं करूंगा, कैमरा यूसेज आपको दूसरे फोन में ज्यादा बेटर मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल पैकेज के साथ में देखा जाए तो कैमरा यहां पर आपको डिसेंट मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे, रेयर कैमरा से 1080p 60fps आप कर सकते हैं, स्टेबल वीडियोस निकल करके आते हैं, एंड कलर्स वगैरह भी आपको अच्छे मिलते हैं। सेल्फी कैमरा के साथ में 1080p 30fps आप कर सकते हैं, एंड स्टेबलाइजेशन आपको वहां भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट कैमरा यहां पर आपको दिया गया है। नाउ बैटरी मॉड्यूल की अगर बात करेंगे, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 30W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 30W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इस फोन को चार्ज होने में लगते हैं लगभग 1 घंटा 16 मिनट के आसपास। इस फोन का डिटेल्ड बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट हमने किया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। बैटरी मॉड्यूल इस फोन का ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं मिलता है, डिसेंट बैटरी बैकअप यहां पर आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, ओवरनाइट काफी ज्यादा डिस्चार्ज होता है, आइडल डिस्चार्ज इस फोन का काफी ज्यादा है, तकरीबन 5% पूरी रात में ये फोन डिस्चार्ज हो जाता है। सो ये एक दिक्कत मुझे देखने को मिली है, बाकी बैटरी मॉड्यूल डिसेंट दिया गया है। इसके बाद में बात करेंगे सेंसर्स के बारे में, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि एक्यूरेटली काम करता है एंड फास्ट इनफ है, तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं आती है। फेस अनलॉक भी इस फोन का बढ़िया तरीके से काम करता है, वहां भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी छूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको दिए गए हैं, जायरोस्कोप भी यहां पर आपको मिलता है एंड कोई भी जायरो डिले यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, स्पीकर्स काफी अच्छे दिए गए हैं यहां पर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग आपको मिल जाती है, ऑडियो आउटपुट बहुत अच्छा निकल करके आता है, लेकिन वाइब्रेट करता है यहाँ पर, बैक में जो फोन है ज्यादा लाउड वॉइस पर वाइब्रेट करने लगता है, तो ये एक हल्की सी दिक्कत यहाँ पर आपको मिलती है। बाकी ऑडियो आउटपुट बहुत अच्छा है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए ये जो फोन है काफी बढ़िया रहेगा। उसके बाद में बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन दिया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलता है। हाँ, मोटोरोला की कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर आपको मिलती है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, कोई एड्स आपको नहीं मिलते हैं, अनवांटेड नोटिफिकेशन वगैरह भी यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओवरऑल स्नैपी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, एंड्रॉइड 13 का पूरा मजा ये स्मार्टफोन आपको देता है, तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर इस बार आपको सिक्योर फोल्डर भी दिया गया है एंड बहुत सारे मोटोरोला के फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मोटोरोला के जेस्चर्स बढ़िया तरीके से काम करते हैं, साथ ही साथ यहां पर आपको गेम मोड भी दिया गया है। सो सॉफ्टवेयर में मोटोरोला ने इस बार काफी तगड़ा काम किया है एंड सॉफ्टवेयर वाइज ये फोन मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दे रहा है, कोई भी बग्स कोई भी जर्क्स देखने के लिए नहीं मिले हैं, कोई भी स्टटर्स नहीं मिलते हैं, बहुत सही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहां पर रहता है। इसके बाद में नेटवर्क की अगर बात करेंगे, यहां पर आपको 5G का सपोर्ट दिया गया है, 13 5G बैंड्स का आपको सपोर्ट मिलता है, 5G इस फोन के अंदर बढ़िया चलता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन आपको कांस्टेंट देखने के लिए मिल जाता है, वाईफाई बैंड की अगर बात करेंगे 2.4 GHz 5 GHz दोनों के साथ में कनेक्ट करता है, एंड हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको दिया गया है जहां पर दो सिम कार्ड आप लगा सकते हैं या फिर मेमोरी कार्ड अगर लगाते हैं तो एक सिम कार्ड का आपको त्याग करना पड़ता है। बाकी नेटवर्क वाइज कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली है।
बात करेंगे कॉलिंग क्वालिटी की, तो कॉलिंग यहाँ पर आपको बढ़िया मिलती है, डुअल माइक्स मिल जाते हैं, नॉइस रिडक्शन बढ़िया तरीके से रहता है, कॉलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ओवरऑल अगर बात करें, ये जो स्मार्टफोन है एज अ पैकेज मुझे काफी पसंद आया। इस फोन का प्राइस है 8GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट का 18,999 रुपीज। 2,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस आपको अभी भी इस फोन के ऊपर देखने को मिल रहा है, मतलब इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं 16,999 रुपए में। 16,999 रुपए के प्राइस पॉइंट पर मैं बोलूंगा कि मोटोरोला की तरफ से एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है। एक ऑलराउंडर पैकेज अगर आपको खरीदना है तो G73 आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। हाँ, IQ G7 इससे मुझे बेटर लगा, तो अगर आपको एक ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन लेना है AMOLED डिस्प्ले के साथ में तो IQ G7 थोड़ा सा बेटर है, लेकिन G73 भी एक अच्छी ऑफरिंग है मोटोरोला की तरफ से। वैसे IQ G7 और Moto G73 का एक डिटेल्ड कंपैरिजन हमने किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। अगर बात करें G73 के बारे में, मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है बहुत ज्यादा खराब नहीं है, खरीदा जा सकता है, रिग्रेट आप अपने डिसीजन को नहीं करेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा लगा हमारा रिव्यू कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें एंड ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।